हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीएसपी में। दोस्त, आज हम आपको टेंथ क्लास के मैथ का पूरा फार्मूला आपको रिवीजन में कराऊंगा। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें आपको मैथ का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेगा। यानी मैथ का पेपर देने के लिए आपको मैथ का फार्मूला पूरा आपको याद रहना जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले मेरे सभी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। और ये वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ फार्मूला 14th बाय अमित सर। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करें 85 21 38 32 64 पे। तो वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। तो सबसे पहले वैसी संख्या जिसको अगर हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जहाँ पे पी क्यू क्या है? पूर्णांक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे पी क्यू क्या है? आपका पूर्णांक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को क्वेश्चन ये मिलेगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब ये है कि दशमलव के बाद आपका कुछ फिक्स, यानी दशमलव के बाद कुछ फिक्स डिजिट आकर आपका पूरा पूरा क्या करे, यानी सीधा मतलब कि पूरा पूरा कट जाए, तो उसे हम लोग शांत कहेंगे। और अशांत आवृत्ति का मतलब है कि दशमलव के बाद एक निश्चित टर्म, कोई निश्चित अंक क्या है वो आपका रिपीट होते रहे, उसे हम लोग अशांत आवर्ति कहते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ति होता है, याद आप रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ति होता है। अनावर्ति कहने का मतलब ये है ना कि दशमलव के बाद कौन अंक आएगा वो रिपीटेशन नहीं होगा अंक का, उसे हम लोग अशांत अनावर्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, पाई पूछेगा, पाई क्या है आपका? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो पाई क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, तो यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है? 0 से 12 और 0 के बराबर और 20 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिसमें ए को हम लोग, ये ए है उसको भाज, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या बराबर लस गुण्य मस। यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, 2 मार्क्स का भी आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या बराबर लस गुण्य मस, जिन दो संख्याओं का हम लस और मस निकालेंगे वो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग 4 फार्मूला बना सकते हैं। अगर यहाँ से पहली संख्या निकालना हो तो हम लिखेंगे पहली संख्या और लस गुणे मस बटा ये दूसरी संख्या जो है गुना में, ये आ जाएगा नीचे भाग में। यानी अगर हमको पहली संख्या निकालना हो तो लस गुणे मस बटा दूसरी संख्या, अगर हमको दूसरी संख्या निकालना हो, अगर हमको ये निकालना हो तो ये आपका बटा में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमको लस निकालना हो तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटा ये आपका मस, अगर हमको मस निकालना हो तो ये लस यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, ये आप ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर यहाँ से देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अगर कोई परिमेय संख्या है पी बटा क्यू, अगर हम क्यू को हम गुणनखंड करेंगे और 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब 2 या 5 के गुणनखंड में अगर उसको हम या केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहे उसके रूप में अगर हम खंडित करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ से 100% आपका प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्यू को अंश हर वाला को अगर उसका गुणनखंड करते हैं केवल 2 आ जाए केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम क्यू को तोड़े और वो 2 के पावर m 2 और 5 के रूप में नहीं आए, नहीं दूसरा भी आ जाए, तो हम लोग उसको उसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका? अशांत होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मान लिया जाए
आपको कहेगा वन बटा चौदह का क्या हो जाएगा, तो वन बटा चौदह का मतलब वन बटा दो गुने सात, इसमें सात आ रहा है, तीसरा दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखेंगे बहुपद से क्वेश्चन। देखिए बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद क्या होता है, तो देखिए बहुपद पहला टाइप है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या व्यापक रूप होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ए और बी क्या है आपका वास्तविक संख्या है। और सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक, और इसके शून्यकों की संख्या क्या होती है, एक होती है, जितना घात उतना ही शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, यहाँ से आपको प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहाँ पे ए बी सी आपका वास्तविक संख्या होता है और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये तो आपका टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात नहीं कहलाएगा। तो कंडीशन क्या है द्विघात के लिए, कि ए बी सी आपका वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, दो होता है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टेंथ में पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका दो, या ऐसे पूछेगा दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। जब घात दो होगा तो आपको शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो होगा। द्विघात के शून्यक को हम लोग एक मान लेते हैं, नाम देते हैं अल्फा, और एक को कहते हैं बीटा, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से आपको प्रश्न 100% मिलेगा। यहाँ से अगर कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, ध्यान रखिएगा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, तो माइनस बी बटा ए, बी देख सकते हैं एक्स के बगल वाला बी होता है और एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, तो शून्यकों का योग पूछेगा तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बटा ए, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा दिया हो तो बहुपद, यदि आपका अल्फा बीटा अगर दिया हो और बहुपद अगर पूछे, तो पी एक्स वाला फॉर्मूला होता है बहुपद का, ये आपको याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ रहा है, तो आपका द्विघात बहुपद पूछेगा तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आप सही से याद कर ले। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का घात कितना हो, तीन हो, जिस बहुपद का घात तीन हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें ए बी सी डी सब क्या है, वास्तविक संख्या है और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप नोट कर लेंगे। इसका शून्यकों की संख्या तीन होती है, जितना घात उतना ही शून्य की संख्या, इसका शून्य का संख्या अल्फा बीटा और गामा, इसमें फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, आप याद कर ले, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, आप इसको याद कर ले। नेक्स्ट है कि यदि अल्फा बीटा दिया हो, मतलब आपको अल्फा देगा बीटा देगा गामा देगा, तो त्रिघात बहुपद पूछेगा, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक बार आप लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, पूरा मैथ का आपका रिविजन हो जाएगा। हम चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिल जाए एग्जाम से पहले। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले समीकरण मतलब कि उसमें एक सतह, वैसा समीकरण जिसमें एक सतह y हो, दो चर हो, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब पेयर, मतलब दो समीकरण हो, तो एक मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। यदि आप देख सकते हैं ये पहला समीकरण हुआ और ये आपका दूसरा समीकरण हुआ, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू। अब इम्पोर्टेंट ये क्या है, यदि ए वन बाई ए टू, ये ए वन और ये टू, ए वन बाई ए टू बराबर नॉट बी वन बाई बी टू, तो इस
अगर ये कंडीशन आपको फॉलो करता है तो इसके हलों की संख्या एक और केवल एक हलों में, यानी इसका हलों की संख्या यानी अद्वितीय हो गया और इस युग्म को अविरोधी कहेंगे। ध्यान रखिए यहाँ से क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अविरोधी के लिए कंडीशन पूछेगा तो a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होना चाहिए और अविरोधी के कितने हल होते हैं ऐसा पूछेगा तो उसका एक और केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा कि अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं तो आप बोलेंगे कि एक और केवल एक हल होते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वैसा समीकरण युग्म में जिसका एक और केवल एक हल हो या अद्वितीय हल होते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे अविरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों इक्वल हो तो इसके अनगिनत हल होंगे। इसके कितने होंगे? अनगिनत हल होंगे और यह इस युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि आश्रित समीकरण का कंडीशन क्या है तो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। फिर क्वेश्चन आएगा आश्रित समीकरण कितने हल होते हैं तो आपका अनगिनत हल होते हैं। फिर पूछेगा कि वैसा समीकरण युग्म जिसका अनगिनत हल होते हैं उस युग्म को क्या कहते हैं तो आश्रित समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा और इस युग्म को हम लोग विरोधी समीकरण कहेंगे। तो कोई पूछे अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया कि विरोधी समीकरण कितने हल होते हैं तो कोई हल नहीं होता है। वैसा समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण। वैसा समीकरण जिसका अनगिनत हल हो उसको क्या कहते हैं? तो आश्रित समीकरण। वैसा समीकरण जिसका केवल एक हल हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विरोधी समीकरण, अविरोधी। उम्मीद है कि आपको याद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax2 + bx + c बराबर क्या? आपका जीरो, जहाँ पे a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ध्यान रखिए। जैसे द्विघात बहुपद के दो शून्य तो द्विघात समीकरण के दो मूल। अब एक होता है विवेचक या विविक्तर, इसको विविक्तर भी बोलते हैं। विविक्तर को हम लोग d से सूचित करते हैं और d बराबर होता है p²-4ac। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोल देगा द्विघात समीकरण देगा और बोलेगा कि आपका विवेचक ज्ञात करें तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b²-4ac। b क्या है तो देखिए x के बगल वाला b और 4a, a क्या होता है तो x² के बगल में a और c यहाँ पे, तो आपका द्विघात समीकरण का विवेचक हो गया। नेक्स्ट है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है तो x - b - √d/2a। d क्या है आपका तो विवेचक है। कैसे निकलता है तो b²-4ac से निकलता है, यानी आपको x का मान निकालना है तो सबसे पहले विवेचक निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला पर बैठा देंगे। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यहाँ से दो मूल निकलेगा। इसे हम लोग श्री धराचार्य का भी इसे नियम से हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर क्या है? जीरो। तो यहाँ से d बराबर क्या होने जाएगा? b²-4ac, हम लोग d निकालेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर d जीरो हो, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। d अगर जीरो होगा और विवेचक द्विघात समीकरण का विवेचक अगर शून्य होता है तो उसका मूल वास्तविक और क्या होता है? असमान होता है। अगर d जीरो से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d जीरो से छोटा हो तो इसका मूल अवास्तविक और असमान होगा। तो फोकस रखिएगा तीनों पे, मूल यानी d जीरो तो मूल वास्तविक और समान। समान होने के लिए विवेचक का मान शून्य होना चाहिए, इस पर विशेष फोकस कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि क्या होगा तो उसका विवेचक शून्य होना चाहिए। विवेचक कैसे निकलता है तो b²-4ac। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी से आते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा श्रेणी जिसमें क्या होता है कि एक निश्चित टर्म से कोई श्रेणी क्या होता है आगे यानी बढ़ता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए a है a+d a+2d a+n-, ये क्या है आपका? ए पी है। ए को बोलते हैं प्रथम पद और इस d को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरा पद माइनस पहला पद। मान लीजिए जाए कि कोई ए पी है 2, 5, 8, 11, तो इसका प्रथम पद हो गया 2, a बराबर 2। अगर सर्वांतर पूछेगा तो दो पदों का अंतर मतलब 5 - -2 = 3, इस वजह से आपसे आपका सर्वांतर निकलता था। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन या ए एन, कहीं कहीं एन आप पर रहेगा, तो a + n - 1 × d। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ए आपका क्या है?
प्रथपद, डी क्या है सर्वांतर, एन क्या है पदों की संख्या और टी एन क्या है आपका एनवा पद। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप लोग याद करते जाए क्योंकि आपका टाइम कम है। अब नेक्स्ट है इन पदों का योग। इन पदों का योग एस एन, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन मतलब इन पदों का योग, ए क्या है आपका वही प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, डी क्या है आपका सर्वांतर। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, एल क्या रहेगा आपका अंतिम पद रहेगा। कोई ऐसा ए पी है जिसका आपको प्रथम पद दिया हो रहा है, पदों की संख्या पता है और अंतिम पद पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एपी के, एपी में अगर तीन पद आपको चुनना पड़े कि एपी में कोई तीन पद मानना पड़ता है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। एरिया में आपको याद नहीं रहेगा तो आपको अगर एपी में कोई तीन टर्म को आपको चुनाव करना है, कोई मानना है तो आप ले सकते हैं पहला पद अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। अगर चार पद का हो तो अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस थ्री बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस थ्री बीटा, आप इसे नोट कर लें। अब आते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल में सबसे पहले एक समरूप का कंडीशन कि दो ट्रायंगल कब समरूप होंगे, तो उनके संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, कब होंगे जब एबी बटा डीए, फिर बीसी बटा ईएफ और एसी बटा डीएफ, एसी बटा डीएफ, फिर एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा। हम लोग थेलस प्रमेय देखते हैं। थेलस प्रमेय क्या है, तो किसी त्रिभुज एबीसी में एक भुजा बीसी के समांतर आपका कोई भुजा डीई है, बीसी के समांतर कोई भुजा डीई है, तो यह भुजा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एडी बटा डीबी बटा एई बटा ईसी, यह आपका क्या है थेलस प्रमेय है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला देखेंगे। आपको पता है कि ड्यूटी के कारण आपका थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, बहुत जल्दी हम दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी आपका थेलस प्रमेय के बाद जो भी फार्मूला है वो आपको बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है, तो हम जल्दी दूसरा वीडियो आपको आज शाम तक आपको अपलोड कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें। हम चैनल पर जो भी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे। इसमें आपको 10th 12th का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।